नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसी दिन भक्तराज हनुमान अपने भक्तों की सुध लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सफलता हाथ लगते लगते चूक जाती है और कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तो मंगलवार को कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। मंगलवार के दिन तांत्रिक हनुमान यंत्र की स्थापना करने का बड़ा ही महत्व है। मंगलवार को अपने पूजन स्थान पर तांत्रिक हनुमान यंत्र की स्थापना करें और हर दिन इस यंत्र की पूजा किया करें। जल्द ही आपको इसका फल भी मिल जाएगा। मंगलवार के दिन शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ये अचूक उपाय है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। बाद में पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी की माला श्री राम नाम से जपनी चाहिए। यह 11 जाप कर सकते हैं या फिर 21-51 आपके ऊपर है, जैसे आप जाप करना चाहें कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र का भोग लगाना चाहिए। गुलाब के फूल की माला में केवड़ा आप छिड़क लें और उसे हनुमान जी को पहनाएं या फिर उनके चरणों में अर्पित करें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद आपको बड़ के पेड़ के पास जाना है और बड़ के पेड़ का साफ सुथरा एक स्वच्छ पत्ता तोड़कर लाना है और उसे स्वच्छ पानी में धो लेना है। अब इस पत्ते को कुछ देर के लिए हनुमान जी के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। पर्स में रखने से पहले आप उसे लाल कपड़े से पोटली में बांध लें, उसकी घड़ी करें और पोटली में बांध लें और अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। यदि आप शनि दोष से भी पीड़ित हैं तो इस दिन काली उड़द व कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उतार लें, 7 बार उतारें और बहते नदी में किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर के राम नाम का जप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है और श्री हनुमान की कृपा भी बनी रहती है। आप ये उपाय जरूर करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाया है और उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। आप भी ये अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। जय हनुमान।